नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। कुक्षी सरदार सरोवर डैम का पानी कटनेरा गांव ले डूबा, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों ने अपने मकान को छोड़कर किसी और सुरक्षित जगह पर पनाह ली। इसी को लेकर पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से राहत सामग्री को कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने इसको लेकर खंडवा बड़ौदा हाईवे रोड पर चक्का जाम कर दिया। डूब प्रभावितों का कहना है कि डैम 138 मीटर भरना था। सरदार सरोवर डैम का पानी वहीं लगातार वर्षा होने से आज 143 मीटर पानी भरने से जो कटनेरा गांव डूब क्षेत्र से बाहर था, आज कटनेरा गांव पूरी तरह डूब गया है। इसी के साथ बैक वाटर अधिक होने से भवरिया गांव में भी टापू में तब्दील हो गया है। पीड़ित परिवार के सामने आज खान की समस्या खड़ी है, साथ में अपने मवेशियों को लेकर आशियाना ढूंढ रहे हैं। इस आपदा को लेकर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। चक्का जाम को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। बचर कोई काम की चीज हो तो बताओ यार, कोई काम लायक। ए वापिस ले क्या? अरे कहीं नहीं है, नहीं आवाज अंदर हुआ कहीं थी। अरे जाना हो तो फिर करना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या भेसों के पानी घुस गया, मकान ढह गया। अच्छा। और उसके बाद में हमारा सामान पूरा खाने पीने का सब वहीं पे रह गया, और हम तो सिर्फ जानवर और हमारी जान बचा के भागे। अच्छा। ये बताओ कि आखिर को कौन सा गांव है तुम्हारा जो कटनेरा? कटनेरा है। कटनेरा, हाँ। तो मुआवजा वगैरह मिला आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। पहले मुआवजे की जो दौर चल रही थी देने की, तो मुआवजा उस टाइम पर मिला था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं दिया। आश्वासन दिया करते थे और वो भी डूब से बाहर कर दिए थे। ये आप जब मवेशी वगैरह लेके आए हो तो इस वजह से कि आपका मकान टूट गया? वही तो, इसलिए रोड पे आगे खाने की भी वो है परेशानी। आप खाए तो क्या खाए, अनाज तो हमारा वहीं पे रह गया, सब पूरा वहीं पे रह गया, न चारा जानवर। अरे आपकी समस्या क्या है? अरे वो क्या है कि सब पानी घुस गया एकदम से, और हमारा एक मकान भी गिर गया, और मवेशी लेके ने हम भगा हमारी जान लेके सिर्फ, और बस खाने पीने के हमारा सब वही है, सब डूब गया सर। हाँ, हम भी अब सुबह से हम रात भर से हम बैठे हैं यहाँ पे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला, नहीं कहीं मिला नहीं सर हमको। एसडीएम साहब आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हुए, तो वो क्या कह रहे हैं आपके लिए? क्या कह रहे हैं वो तो अभी हल कुछ कह नहीं रहे, तो अब हम ये छोड़ेंगे। हाँ, हमारा जो आज जो धरना आंदोलन है, तो मुख्य उसका रूप है उसका कि विस्थापितों को न्याय मिले। और आज से 2-3 साल पहले जब सर्वे किया था बीजेपी सरकार ने, उसमें पूरे कटनेरा को डूब से बाहर बताया था, और जब डूब से बाहर था तो फिर ये आज पानी कैसे आया? हमने बार बार मांग उठाई थी हमारे द्वारा, हम क्षेत्र के लोगों के द्वारा, कि हमारा बैक वाटर में गांव डूब जाएगा कटनेरा। वैसे भी टापू बन रहा था पर आज पूरी तरह से डूब गया, तो हमारी बात को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि शासन को पैसा देना पड़े, विस्थापितों को पैसा देना पड़े, इसलिए इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गुमराह करके उनको डूब से बाहर बता दिया गया, जिसके कारण आज ये हमको परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, और दर दर के लिए भटक रहे लोग, और उनके मकानों सारे मकान टूट गए। यहाँ पे आप जाके देखें, वहाँ पे सारे कच्चे मकान थे, सारे मकान टूट गए। किसी एक भी व्यक्ति को 5,80,000 रुपए की सहायता ग्राम कटनेरा में आर्थिक पैकेज शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसके बाद भी वो उस
उस विभाग के मंत्री भी है साथ में, मुख्यमंत्री होने के साथ में उस विभाग के मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि कांग्रेस की सरकार में सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी एनवीडीए के मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी जानकारी यहाँ पे भेज रखी है। निसरपुर में भी 1385 लोगों के नाम सूचीबद्ध करके भेजे हुए हैं, सारी जानकारियाँ पूरी दी गई है। कटनेरा की भी पूरी जानकारियाँ दी है, चंदनखेड़ी की जानकारी दी है, डहर की जानकारी दी है, पिपरीपुरा की जानकारी दी है, मलवाड़ा भोदवाड़ा की जानकारी दी है। उसके बाद भी इनकी नीयत और इनकी सोच और नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये पुनर्वास वालों को जितने भी जो रूप प्रभावित लोग हैं उनको अभी तक पैसा दे दिया जाता। सरकार रोज 2000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है, 2000 करोड़ रुपए का रोज कर्ज ले रहे हैं आरबीआई से। तो क्या सरकार के पास इन लोगों डूब क्षेत्र के पीड़ित लोगों के लिए पैसा नहीं है क्या? खेत के खेत डूब गए, डूब से बाहर बता दिए गए क्योंकि 7 लाख देना पड़े सरकार को। पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जाके देखें और वीडियो बना के लाएं वहां से। लाइन ऑर्डर के लिए लोगों की मांग ये है कि उनको डूब में लिया जाए, इसलिए धरने पे बैठे हैं। ये बात सही है कि वर्तमान में गांव कटनेरा में करीब 5 से 7 फीट पानी भरा हुआ है और अंदर जो मकान बने हैं उनमें 10 फीट भी पानी भरा हुआ है। और मैं खुद स्वयं अंदर गया था, बोर्ड से 2 बार भ्रमण करके आया हूँ। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि पूरा हम उसको सर्वे करेंगे और जो भी शासन का नियम है RBC 6-4 के तहत तो उसको राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसी का मकान गिरा है तो मकान, पशु मरा है तो पशु, या कोई अन्य हानि हुई है तो उसका भी अपन शासन के नियमानुसार उनको राहत पहुँचाएंगे। मैं अभी वर्तमान में लोगों को समझाइश दे रहा हूँ, किंतु लोगों का कहना है कि हमें डूब में पकड़ा जाए। अब डूब में पकड़ने से संबंधित NVDA से चर्चा करेंगे और जो भी वाटर लेवल बनता है उसके बाद जिस वाटर लेवल पे डूब प्रभावित गांव माने जाते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर अभी फिलहाल ये चक्का जाम करके बैठे हुए अपनी मांगों चक्का जाम के लिए मैंने समझाइश दी है और अनुनय विनय किया है मैंने, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि निरंतर ये चक्का जाम खत्म हो और लोगों को असुविधा से बचाया जा सके। कुक्षी से खबर समय जगत के लिए सोहेब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.